आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की उमरिया से आ रही है, जहां मुख्यालय स्थित घगरी ओवरब्रिज के पास विगत दिनों कत्ल की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी उमरिया पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल ने मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हम आपको बता दें कि कजलैया पर्व की दरमियानी रात अनिल पिता नवनीत बर्मन उम्र 26 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल था। पुलिस ने जो खुलासा किया है और जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की है वे सभी मित्र हैं। पुलिस की माने तो घटना का मुख्य आरोपी मोहन मिश्र अपने मकान से सटे हाईवे स्थित ओवरब्रिज के बगल से मृतक अनिल के साथ शराब पार्टी मना रहा था। उसी दौरान आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद कुछ ही देर में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर अमर सिंह और उसके साथी ज्ञानेन्द्र पांडे की मदद से लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो सके। पुलिस ने इस मामले में घंघरी निवासी मोहन मिश्र, अमर सिंह एवं एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी विकास कुमार शहवाल ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आरोपी घटना के कारणों को लेकर साफ साफ नहीं बता रहे हैं, वहीं पूछताछ में भी अपेक्षाकृत सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। बजे कोतवाली पुलिस थाना ये सूचना प्राप्त हुई कि घगरी नाका का जो बाईपास है उसके किनारे एक डेड बॉडी मिली हुई है। उस सूचना पर तत्काल रिएक्ट करते हुए पुलिस की जो अधिकारी है और वो घटनास्थल पर पहुँचे और आसपास पूछताछ की और बॉडी को पंचनाम वगैरह करा, तो पता चला कि वो अनिल वर्मन नाम के व्यक्ति हैं जो घगरी के निवासी हैं और उनकी जो डेथ है वो बुलेट इंजरी की वजह से हुई है। बाएं साइड में चेस्ट में एक बुलेट इंजरी थी, उसकी वजह से डेथ हुई है। उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया बॉडी का और परिजनों को सौंपा गया। और क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की हुआ था इस संबंध में, तो तत्काल उस पर कार्रवाई शुरू करी और विद इन 6-7 घंटे जो भी उस पर प्राइमरी सस्पेक्ट है, प्राइमरी फेसिंग मोहन मिश्रा, अमर प्रताप सिंह बघेल और अन्य दो, उनको अरेस्ट करके तत्काल पूछताछ की कार्रवाई करी। तो घटना जो है आरोपियों द्वारा बताया गया कि वो 23 तारीख को 9 से 10 के बीच में घटना है।